हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचारी खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त मलाड वेस्ट अंबुजवाड़ी के इलाके में काफी बड़े लेवल पर गरीबों को बेघर किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये महाला की जमीन थी, इसलिए इसे तोड़ा गया है। कई साल से यहां गरीब बेचारे रहते थे, लेकिन कुछ भूमि माफिया के लोगों ने इनको बहलाया, फुसलाया और इनको बेचा है। हर गरीब आदमी क्या सोचता है, उसके सर पे एक छत हो, छोटा सा है लेकिन छत हो, खुद का हो, भाड़े पे रहना ना पड़े। इनको बहला फुसला कर जो गरीब रहती, जो सपना देखती हमारा खुद का घर हो, उसको कुछ लोगों ने बेचा है। हम उनसे जानते हैं कि इनको जिसने बहला फुसला के बेचा है, जिसने इनके साथ धोखा किया, जमीन जो खुद की बताकर महाला की प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सलीम खान है। किससे लिए थे आपने? ये शेर अली खान करके कोई आदमी है, हाँ? उससे लिया था, वो रहता था इसमें। अच्छा। उसने पेपर ऊपर दिखाया, उसको पूछा मैंने, हाँ? इधर सर्वे हुआ क्या? वो बोला नहीं, सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे बाकी है अभी, बाकी सब ओके पेपर है, तो कैसा कुछ नहीं है। तो मैंने, हमारे पास घर नहीं था, बरसों से मैं भाड़े पे रहता था, इसके लिए मैंने इधर एक आश्रा के लिए मैंने कैसे भी बीसी बीसी डाल के जमा के मैंने लिया इधर। लेने के बाद में रहने लगा, अभी देखो अभी तोड़ दिया, अभी मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई सहारा नहीं है। तो आपने कितने में लिया था? मैंने 2.5 लाख में लिया था। 2.5 लाख रुपए लेके? हाँ, 2.5 लाख। तो पेपर में उसने क्या लिख कर दिया, क्या बना हुआ पेपर में? पेपर है मेरे घर पे है, पेपर तो अभी यहाँ नहीं लेके आया मैं। अगर आप बोलो तो मैं पेपर दिखा सकता हूँ। उसने लिख के दिया, उसने पेपर में पेपर पूरा उसने लिख के दिया मेरे को। अब मेरे को पढ़ना लिखना आता नहीं है। अच्छा। तो मैंने वकील से ले जाके पढ़ाया, दिखाया। वकील ने ये इधर है एक वकील, नाम बताइए ना। तो नाम नहीं मालूम कहाँ पे है, मतलब इधर ही अपना खाजा चौक के पास है। खाजा चौक के पास समीना पटेल है जी। आप यहाँ कब से रहते हैं? मेरा को घर लेके यहाँ 8 साल हो गया है। ओके। और मैंने जिससे खरीदी उनको रहकर 21 साल हो गए। ओके, वो यहाँ रहते हैं? हाँ, 3 बार उनका घर टूट चुका है, मेरे पास छत नहीं है करके हम गरीब हम बीसी बीसी डाल के लिए है। और फिर बोले क्या, या 2 बार टूट चुका है, तीसरी बार नहीं टूटेगा। आपने कितने में लिया था? हमने लिए थे 3.5 लाख में। 3.5 लाख? हाँ। कहाँ पे आपकी जगह? ये वाली जगह हमारी जगह है जी। उस अभी हमारे पास तो छत भी नहीं है, 3 बच्चे, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। और नाम लिए है हलीम शेख, और उनका ही बेटा जो सलमान बड़ा वाला लड़का है, जिसने साइन किया है पेपर पे हमारे साथ, वही पुलिस के साथ आके तुड़वा रहा है। अच्छा, वही तुड़वा रहा है? वही तुड़वा रहा है। बेचने वाला भी वही, तुड़वाने वाला भी वही है। ओके। और अभी हमने देखे है पुलिस वाले के साथ, उनका बड़ा लड़का जिसकी साइन है वो साथ में ही है, पानी का खाने का सब लेकर पुलिस वाले को दे रहा है, ले रहा है, और हम आवाज भी दे रहे तो अनजान बन के जा रहे। और अभी तोड़ने के टाइम हमने बुलाए तो एक जन भी आया नहीं, जिसने बेचा और जिसने खरीदा है। आपने लिया है जी सर? क्या कुछ पेपर वेरीफाई किया गया था? हाँ, वेरीफाई को हम लोग ने वकील से पढ़ाए थे, वकील के पास ही। वकील का नाम मालूम है? वकील का नाम तो नहीं मालूम, यह चौक पे ही है वकील, उन्होंने ही लेके गए थे हमारे को वकील के पास। खजाना का? हाँ, खजाना का। वकील का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। अब क्या करना चाहिए आप बताइए सर। आप लोगों ने खरीदा था? हाँ जी। आपका कहना है आपको धोखे से महाड़ा की प्रॉपर्टी बेची गई, बेची गई, पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। जी जी सर। वहाँ पे कुछ भी सपोर्ट लगता है आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। मेरा अर्चना सिंह। कब से आप यहाँ रहते हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल पे आपने इसको कब्जा किया था? खुशी नहीं, से खरीदा है? नहीं, मैं 3 लाख में खरीदी थी दलाल के थ्रू। दलाल से? दलाल का आपको नाम मालूम है? नहीं, नाम नहीं मालूम है। हाइट में छोटे हैं, मुसलमान हैं, और 50,000 उसने दलाली लिया था। दलाली लिया? हाँ। मेरा नाम सुनीता उदय सोनी। कब से आप यहाँ रहते हैं? मेरे को 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। आपने यहाँ पर कब्जा किया था घर या किसी से खरीदा? खरीदा था। खरीदे थे? किससे खरीदे थे? खरीदे थे तो नाम बताएंगे तो बोलेंगे मेरा नाम क्यों बताया, इस्माइल करके। इस्माइल करके? इस्माइल से खरीदे? हाँ।
वो इस्माइल का क्या बिजनेस है? अभी किसी कोई काम करता आप जानते हो, पहचान सकते हो? पहचानते थे तो देखेंगे तो पहचानेंगे, यही घर ही बना के बेचते थे। इस्माइल नाम है उसका। ओके, तो आप यहाँ 15 साल से रहते हैं। आपने कब्जा किया है, किसी से खरीदा? नहीं, खरीदे भी थे और कुछ मतलब कैसा आजू बाजू से मतलब जगह बना बना के लोगों ने भी लिया था। ऐसे कितने लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, झूठा पेपर दिखाकर लोगों को बेचा, आप जानते हो? अभी क्या बताएंगे, सब मालूम है। अभी बताएंगे तो फिर वो कल हमारे नाम पे बुलडोजर आ जाएगा, क्या करेंगे? नहीं, अभी क्या है, अभी अगर हम बताएंगे तो फिर हमारा रहना मुश्किल कर देंगे इधर पे। मतलब ऐसा है कि नाम लेने से डरा के रखा है? प्रशासन भी वैसे ही है, पुलिस भी वैसे ही करते है, वो लोग भी वैसे ही करते, सब मिलजुल के काम होता है। अगर चाहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर एक ईंट भी अगर आप यहाँ रखते हो ना, तो पुलिस वगैरह को सबको मालूम पड़ जाता है। तो इतने बड़े बड़े कांड होते तो कैसा क्यों नहीं मालूम पड़ता है? मतलब आप बन समझो, क्लियर नाम बताइए ना, कल उन पे एफआईआर हम करवाएंगे आपके साथ। नहीं होगा, अगर आप आपको तो छोड़ देंगे, हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम बाल बच्चे वाले आदमी लोग है, हमको रोज कमाना खाना है। अभी दूसरा ये सिस्टम हो गया अभी इसके। सर मेरा नाम साजिद अंसारी है। आप यहाँ कब से रहते हो? ये रूम अभी हमने 4 महीना पहले लिए है। खरीदे हो आपने? हाँ खरीदे है। किससे? 5.5 लाख रुपए का लिया है। जो बंदा यहाँ पे रहता था तकरीबन 8-10 साल से। ओके, किसी का जगह बताइए नाम। जुबैर शमसुल्ला चौधरी। जुबैर शमसुल्ला चौधरी से आपने यहाँ पे ये घर लिया है? हाँ। 8 महीना पहले? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले आपने? हाँ, खरीदा है। 5.5 लाख रुपए का मैंने ये रूम लिया हूँ। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे, 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें।